देखिए, फर्स्टली मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ डॉन सिनेमा का एंड देन नवीन सर को, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत अच्छा काम किया है. एंड हमेशा ये होता है कि अगर आपका डायरेक्टर बहुत अच्छा है तो आर्टिस्ट ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा काम करते हैं. बेसिकली अगर आपकी कास्टिंग परफेक्ट हो जाती है तो आपका 80% प्रोडक्ट तो कम्प्लीट हो गया. अगर मैं इस फिल्म की बात करूँ मिरर की, मिरर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ मिरर, सी दिस इज़ वेरी वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट. और मुझे एक्चुअली में पता भी नहीं था कि मैं इतना अच्छा काम करके निकल जाऊँगा अगर सर इतना अच्छा गाइड करेंगे तो. सो इट वॉज माई लवलीस्ट एक्सपीरियंस. एंड इन दिस फिल्म आप देखेंगे मेरे बहुत सारे शेड्स हैं. 6 महीने की रिसर्च थी, 3 बार मैंने क्लाइमेक्स चेंज किया, शेयर किया इन दोनों के साथ, फाइनली बाउंड किया स्क्रिप्ट को. महमूद भाई से डिस्कस हुआ तो पहले हम इसको फीचर फिल्म बनाने जा रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं, आने वाला टाइम डिजिटल का है, इसको OMT बनाओ. मैंने कहा OMT क्या? उन्होंने कहा ऑनलाइन मूवी थिएटर, डिजिटल थिएटर के लिए मूवी को प्रोड्यूस करो. डिजिटल ऑनलाइन नेटवर्क, डॉन का मतलब डॉन, वो वाला डॉन. सो डिजिटल ऑनलाइन नेटवर्क, तो एवरीथिंग वी आर ट्राइंग टू रीच एवरी पर्सन जिसके हाथ में भी स्मार्टफोन है, iOS है, आईफोन है, हम उन तक अपनी चीज़ों को लेकर पहुँचे. दिस इज़ द वे OMT ऑनलाइन मूवी थिएटर के हम लोग डायरेक्ट 1-to-1 ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं. लेकिन हमारे मिरर में आप जो सोचते हो ना उससे बियॉन्ड देखने को मिलता है. सो आपको बहुत सारे शेड्स मिलेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव, देन सस्पेंस, देन थ्रिल. इट्स अ कंप्लीट पैकेज. स्लीक कटिंग है, फास्ट एडिटिंग है, बैकग्राउंड म्यूजिक कमाल का बना है, और दोनों आर्टिस्टों ने जो काम किया है उस स्क्रीन पे आप खुद देखेंगे तो आपको मालूम होगा. आई एक्सपेक्ट ऑडियंस के जब दे विल सी द फिल्म देन दे कैन एबल टू रिलेट इट एंड कनेक्ट कर पाएंगी. बिकॉज मिरर इज काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ. वो इसीलिए है क्योंकि वो इसमें एक इमेज में दो पर्सनालिटी आपको देखने को मिलेंगे. ये 27th of December इस डेकेड के एंड में हम एक नया रेवोल्यूशन लाने जा रहे हैं. तो इस डेकेड के एंड में लास्ट फ्राइडे आप देखेंगे 27th of December को मिरर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ. और दूसरा, इन सारी हमारे, क्योंकि हम फैमिली है तो हमने एक और फैमिली मेम्बर है जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, डॉक्टर राजेश शर्मा जी को नाम लेना भूल गए, तो थैंकफुल टू हिम. एंड ऑफ द डे हम कितनी भी मेहनत कर ले, डिसीजन एक प्रोड्यूसर लेता है क्योंकि प्रोडक्ट उसका होता है. तो उन्होंने इस चीज़ में यकीन दिलाया कि हाँ, मैं भी इसके साथ हूँ, और ये जो आप लोग सोच है, आपकी नई सोच है, उसमें मैं भी शामिल हूँ. तो आई एम रियली थैंक्सफुल टू डॉक्टर राजेश शर्मा जी. विजुअल इफेक्ट्स जो मैंने बहुत क्रिस्पी एडिट किया है, फ्लैशी एडिट किया है, वो आपको स्क्रीन पर बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ देखने में मज़ा आएगा. उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, और कहानी के बारे में इसलिए नहीं बता सकता हूँ मैं ज़्यादा, क्योंकि वही गेम है जो रिफ्लेक्शन है, आपकी लाइफ का रिफ्लेक्शन है, वो हमेशा आपके सामने रहता है, लेकिन हम अनदेखा करते हैं. और इसीलिए हमने पहले ये OMT की हिस्टोरिकल पहली फिल्म रिलीज है मिरर. सो हमने पहले मेरी फिल्म से शुरू करने वाला था, मैं सलाम मुंबई से, कि हम ये करेंगे, लेकिन नवीन जी ने जब कहा कि यार हम ये लेकर आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ऑल आर फैमिली, तो चलो इससे शुरुआत करते हैं. तो दिस इज़ द वे वी स्टार्ट. जो ऑडियंस एक बार देखेगी स्टार्टिंग से, वो एक्चुअली बन के रह जाएगी एटलीस्ट फॉर 100 मिनट्स, राइट, इज द ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू वॉच द फिल्म एंड डिसाइड करेंगे कितनी अच्छी तरीके से फिल्म बनी है.